भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए एयरटेल ने अमेरिकी चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। एयरटेल ने अपने एक बयान में कहा कि देश में 5G नेटवर्क की रोल आउट करने के लिए कंपनी क्वालकॉम के रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। एयरटेल और क्वालकॉम मिलकर 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क तैयार करेंगी और देश भर में कम लागत और तेजी से सर्विस शुरू करने के लिए काम करेंगे। इसे घरों और बिजनेस के लिए गीगाबाइट स्पीड से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। माना जा रहा है कि एयरटेल की यह साझेदारी दूसरी कंपनियों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एयरटेल ने हैदराबाद में 5G का एक लाइव कमर्शियल नेटवर्क शोकेस किया था। ऐसा करने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी है। अब इस सर्विस के विस्तार के लिए एयरटेल ने क्वालकॉम को अपना पार्टनर चुना है। एयरटेल और क्वालकॉम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस समय इसके विस्तृत उपयोग के लिए सहयोग करेंगे। इसी बीच एयरटेल की सबसे बड़ी कंपटीटर जियो ने कहा है कि उसने 5G के लिए एक इन हाउस सॉल्यूशन तैयार किया है। जैसे ही स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा, रिलायंस जियो भी अपने 5G सर्विसेज के रोल आउट करना शुरू कर देगा। जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल अपने डिजिटल यूनिट जियो के लिए क्वालकॉम की निवेश शाखा से लगभग $97 मिलियन जुटाए थे। आपको बता दें कि देश में स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 मार्च से शुरू होने वाली है। नीलामी में भाग लेने के लिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने अर्निस्ट मनी डिपॉजिट यानी कि EMD जमा कर दिए हैं। रिलायंस जियो ने EMD के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए, एयरटेल ने EMD के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने EMD के तौर पर 475 करोड़ रुपए की राशि जमा की है। बहरहाल देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपने 5G सर्विसेज को शुरू करने के लिए अमेरिका की चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम के साथ साझेदारी की घोषणा की है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।